नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे किसी की नकल करना, किसी को फॉलो करना और उस जो हमारे आइडियल्स हैं उनके स्टाइल को अपने अंतर्गत अपने पर्सनालिटी में अपने गाने में समाविष्ट कर लेना, जिससे हमारे गाने में एक वर्सिटैलिटी आती है। तो मिमिक्री या किसी को फॉलो करना क्या है? मिमिक्री हम तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति को अपना इष्ट मानते हैं और उन्हें बहुत तहे दिल से रिस्पेक्ट के साथ हम उनकी जो एनर्जी है उनसे एक रूप होके उनसे जुड़ जाते हैं और हम उनके स्टाइल को अपनाते हुए हम वो स्टाइल गाने की कोशिश करते हैं। तो आपने ये भी सुना होगा कि जो जंगलों में रहने वाले लोग थे वो अलग अलग प्राणी या पक्षी इनकी आवाज़ को एक मिमिक्री के तौर पर वो फॉलो करते थे, उनको ऑब्जर्व करते थे, वही आवाज़ अपने गले में निकालने की कोशिश करते थे और वो नेचर से एक रूप होते हुए उन प्राणियों से भी गुफ्तगू करते थे। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि जो किसान है और अपने बकरियों को उसे बुलाना है तो मैं ऐसे करके वो उनको खाने के लिए आओ ऐसे करके वो उनको संबोधित करता है। और यही बात हम देखते हैं कि जो एक शिशु होता है तो वो अपने जो फैमिली में जो उनके माँ बाप होते हैं उनको फॉलो करता है, वो बहुत ध्यान से सुनता है कि कैसे उच्चार हैं, कैसे लैंग्वेज को बोलना है और इस तरह वो अपनी मातृभाषा को भली भांति वो अपने अंदर समाविष्ट कर लेता है। तो हम इससे कह सकते हैं कि जो मिमिक्री है आजकल की नई टेक्निक नहीं है, ये टेक्निक तो पुरातन कालों से चली आ रही है। तो सबसे पहले मैं ये यहाँ पे कहना चाहूँगी कि हम मिमिक्री उन बहुत दिग्गज सिंगर्स की करते हैं जिनसे हमें तहे दिल से एक रिस्पेक्ट होता है और एक मन में आकांक्षा रहती है कि चलो मैं इस आर्टिस्ट को फॉलो करना चाहता हूँ या उन जैसा ग्रेट बनना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ मैं एक बात ये भी साफ कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे जो सिंगर्स हैं वो किसी आर्टिस्ट को फॉलो करते करते उस स्टाइल में उतने वो घुल मिल जाते हैं कि उस स्टाइल के बाहर वो आ नहीं सकते हैं बाद में, और कालांतर के बाद वो प्रति बन जाते हैं, उनके स्टाइल को इतना अपनाते हैं और इतने कॉपी करते हैं कि उनकी खुद की जो एक यूनिकनेस है वो कहीं गुम हो जाती है। तो भाइयों और बहनों, आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप किसी को फॉलो करते हैं तो आपका ध्येय जो है वो अपने जो अंदर के जो आर्टिस्ट को विकसित करना है। जब आप एक 10 सिंगर्स को फॉलो करेंगे और आप एक परिपूर्ण सिंगर बन जाओगे तभी आपको इनके छोटे छोटे एलिमेंट्स एकत्रित करके अपना एक स्वयंभू एक आवाज़ उत्पन्न करनी है जो कि यूनिक हो, जो आप जैसा लगे ना कि वो सिंगर जैसा लगे। तो इसी में आपकी कुशलता है, नहीं तो लोगों को ऐसे लगता है कि अरे ये तो वो बड़ा सिंगर गा रहा है, तो आपकी जो महानता है वो वहाँ पे नहीं रहती।
तो आपको ये ना करके आपको अपनी आवाज ढूंढनी है। तो आप बेशक ये बड़े बड़े सिंगर्स को फॉलो करें, उनके एलिमेंट्स ले, उनके जो शैली है, उनके जो प्लस पॉइंट्स हैं, वो आप सब अंदर समाविष्ट करें अपने गाने में, लेकिन आप सिर्फ उन तक ही सीमित ना रहे। आप अपनी भी खोज करें कि आपकी क्या वॉइस है, आपका जो एक व्यक्तिमत्व है वो क्या है, आपकी जो शैली है वो क्या है, वो भी आपको खोजना बहुत जरूरी है। तो आज हम ये देखेंगे कि अलग अलग जो स्टाइल्स हैं उनको कैसे हम फॉलो करें, और वो फॉलो करते हुए वो हमारे गाने में कैसे एक प्लस पॉइंट हो सकता है जब हम किसी को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं जब भी छोटी थी तो मैं बहुत लता जी, आशा जी और मेरी मौसी सुमन कल्याणपुर जी, इनके बहुत गाने मैं सुनती थी, और हमेशा मेरा ये प्रयास रहता था कि उनको ही फॉलो करूं, उनकी ही जैसे मेरी आवाज़ निकले। तो ये मेरे एक आइडियल्स थे, मेरे एक स्तंभ थे जिनको मैं बहुत तहे दिल से रिस्पेक्ट करते हुए फॉलो किया करती थी। मिमिक्री आप जब भी करते हो तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि आप एक जो भावना है अपने अंदर की, वो एक रिस्पेक्ट की भावना हो। ऑलवेज किसी को मिमिक्री करते हो तो वो एक ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं किसी की खिल्ली उड़ा रहा हूँ, मैं ग्रेट हूँ, नहीं। यहाँ पे एक भावना होनी चाहिए कि उसकी जो पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी है, वो मैं ही हूँ, और हमारे दोनों के रंग एक हो सकते हैं। और एक नम्रता होनी चाहिए जब हम किसी को यहाँ पे मिमिक्री करते हैं या किसी को फॉलो करते हैं। बहुत ही रिस्पेक्ट करते हुए मैं अभी कुछ स्टाइल्स अलग अलग सिंगर्स के आपको गा के सुनाती हूँ। और मेरा उद्देश्य यहाँ पे ये नहीं कि मुझे दिखाना है कि मैं इनकी नकल कर सकती हूँ, मुझे सिर्फ यहाँ ये बताना है कि इन बड़े बड़े आर्टिस्ट ने मुझे कैसे इंस्पायर किया है उनके गाने से। अच्छा, तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं लता जी को। सुनिधि चौहान ने गाया है, लेकिन अगर ये आशा जी गाती
तो कैसे लगता? इश्क इश्क करना है कर ले, इश्क इश्क में जी ले मर ले, इश्क इश्क ना हो दोबारा। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे चुनरी के नीचे क्या है, चुनरी के नीचे ओ चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, ये दिल मैं दूंगी मेरे यार को प्यार को। कृष्णमूर्ति जी I've drowned and dreamt this morning.
भाइयों बहनों, आज ये जो एपिसोड मैं आपको अलग अलग वॉइसेस के दिखा रही हूँ, इसका उद्देश्य यही है कि आप अपना जो एक म्यूजिकल सफर है, ये अलग अलग दिशाओं को लेकर आप उनको स्टडी कीजिए। अपने जो भी आराध्य हैं, जो अपने सिंगर्स हैं, उनको स्टडी कीजिए और उनकी जो अच्छाइयां हैं वो अपने गाने में लाने की कोशिश कीजिए। जब आप एक दिग्गज सिंगर को फॉलो करते हैं तो बहुत ऑब्जर्वेशन, बहुत उसको बार बार सुनना है आपको, और आपको छोटी छोटी बातें ऑब्जर्व करनी है कि ये जगह उन्होंने कैसी ली है, वो जगह कैसी ली है, और इसी से आपकी ग्रोथ। क्योंकि मैं ऐसे मानती हूँ कि ये जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं वो एक यूनिवर्सिटी इन देमसेल्व्स हैं। उनको अगर आप एक स्टडी करें तो आपको बहुत, आपका जो नॉलेज है वो बहुत निखर के आएगा। आपकी जो सिंगिंग पर्सनालिटी है वो बहुत एक सतरंगों से भरी हुई आपकी पर्सनालिटी होगी। इन सभी दिग्गज जो सिंगर्स हैं उनको फॉलो करने के बाद, उनके स्टाइल्स को अपनाने के बाद, आपको अपनी एक शैली तैयार करनी है। क्योंकि जब मैं किसी की नकल करती हूँ या किसी को फॉलो करती हूँ तो मेरी जो वॉइस है वो तो ओरिजिनली जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन मैं उनकी स्टाइल, यहाँ पे मैं उनकी स्टाइल को फॉलो कर रही हूँ। उनके जो ब्यूटीफुल पॉइंट्स हैं, उनकी जो स्टडी करने लायक जो अच्छाइयाँ हैं वो मैं अपने अंदर समाविष्ट कर रही हूँ। तो आपको ये करने के बाद आपको अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी उभारनी है, जिससे आप एक परिपक्व सिंगर बन जाएं। तो अब हम देखेंगे कि एक गाना समझो आपको मिला है और आपको ये अलग अलग स्टाइल्स में गाने की एक सिचुएशन आ गई, तो आप उसे अलग अलग स्टाइल्स में कैसे गा सकते हैं और अपने वॉइस को उस कैरेक्टर में कैसे ढाल सकते हैं। तो गाना लेंगे जो भेजी थी दुआ। किसे पूछूं ऐसा क्यों जाने कितने लबों
एक मॉडर्न लड़की है और बहुत एक्सेंट में बोलने वाली लड़की है, शॉर्ट क्लोथ्स पहनने वाली, तो आपको एक अलग से पर्सनालिटी वहाँ पे देनी पड़ेगी आपके गाने में। कैसे पूछूं ऐसा क्यों सिचुएशन चेंज होती है। तो आज मैं इस श्रृंखला में आपको कहना चाहती हूँ कि आप बड़े बड़े दिग्गज जो सिंगर्स हैं उनको स्टडी कीजिए, क्योंकि एक एक जो सिंगर है वो एक यूनिवर्सिटी इट्सेल्फ है पूरा। आपको उनका अर्क जो है, उन्होंने उनके जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स है वो आप अपने पर्सनालिटी में समाविष्ट कीजिए और अलग अलग स्टाइल्स अपने अंदर आप समाविष्ट करने के बाद आप एक अपनी खुद की शैली एक तैयार कीजिए इन सब चीजों को लेकर के, कि आप एक वर्सेटाइल सिंगर भी हो जाएं। एक वर्सेटाइलिटी से आप कोई भी स्टाइल आपको अगर पेश आए तो आप वो पेश कर सकते हैं, ऐसे एक मुकाम पे आप पहुंचे और किसी भी एक ही स्टाइल में आप सीमित ना हो जाएं। नहीं तो होगा ये कि आप एक प्रति सिंगर बन जाएंगे, लोग आपको नहीं पहचान पाएंगे। आप अगर एक बड़े सिंगर की छवि या स्टाइल एकदम हुबहुब अपनाते हैं तो आप एक प्रति सिंगर बन जाएंगे। लोग आपकी क्या शैली है, आपकी क्या विशेषता है, तो ये संसार नहीं जान पाएगा। इसलिए आप अपनी एक स्टाइल बनाइए कि जिससे आपका नाम हो, आपकी एक प्रतिभा वहां तैयार हो जाए। तो इसी कामना के साथ मैं ये श्रृंखला आज यहीं समाप्त करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि ये आज का सेशन आपको बहुत उपयोगी मालूम पड़ेगा। थैंक यू, नमस्ते और धन्यवाद।